سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around—from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground. Every bird in the sky, every rock and every raindrop, says as it falls from the clouds. Every ant, every plant, every breeze, and all the sea. أوصي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफी तलब करते हैं हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़ल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई इसका शरीक नहीं है और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर और उनके अहलो आयाल पर और उनके सहाबा पर जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूं वो अल्लाह ताला की तरफ से है और अगर मुझसे ग़लती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ़ से और शैतान की तरफ़ से हो रबे शि सदरी वसली अमरी मिन लिसानी याबह कौली Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोज़ बिल्लाही में शैतान रज़ीम बिस्मिल्लाह रहमायन रहीम. दें सूरे तीन शुरू करते हैं व तीन व जैतून कसम है तीन की और जैतून की व तुर सिनीन और तुर सीना की व हाजल बल दिल अमीन और इस शहर की पुर अमन लक़द कलकनल इंसानफ़ी अहसन तकवीम अलबत्त तहक़ीक पैदा किया हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर सुदत ना हो असफल साफिले फिर फेर दिया हमने उसको सबसे निचला निचलों में सेन आमन वामिल्सातिफ़िल अजर नमनू मगर वह लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे तो उनके लिए है अजर नाक़त्म होने वाला फमायब का फमायुकब का बदबीन तो कौन झुटलाया तुझको बाद जजा सजा के नहीं है अल्लाह सब फैसला करने वालों में।, में बढ़ कर फैसला करने वाला कसम है अंजीर और जैतून की और तूर सीना की और उस पर और उस पुर अमन शहर मक्का की अलबा यक़ी हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा किया है फिर हमने उसे नीचों से नीचे फेंक दिया है मगर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो उनके लिए बेानतहा अजर है फिर ए इंसान उसके बाद तुझे कौन सी चीज़ जज़ा व सज़ा को झुटलाने पर आमदा करती है क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है तफसर व तश्री लेंगे शुरी सी का तारफ़ इस सूरत के पहले ही अतीन को इसका नाम करार दिया गया है इस सूरत के मजमून से ज़ाहिर होता है कि यह सूरत भी नबोवत के इब्तायी दौर में नाजिल हुई इस सूरत का मौजू है इंसान बेहतरीन फ़ितरत पर पैदा किया गया है लेकिन ये बुरे किरदार की वजह से जिल्लत की पस्तियों में जा गिरता है तो ये ये आ, फिर ये भी बताया गया है कि कौन सी चीज़ इंसान को खुले खसारे से बचाएगी सूरत तीन मक्की है इसमें आठ आयतें हैं एक रुकू है चौंतीस कलमात है और एक सौ पैंसठ हरूफ है इंसानी अजमत पर कसमें अल्लाह ताला ने चार कसमें खाकर ये बयान की है कि यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा किया है अंजीर और जैतून की खसम, अंजीर और जैतून से मुराद वो इलाक़ा है जहां उनकी पैदावार ज़्यादा है और वो है मकदस, फ़लस्तीन और जो बहुत से अम्बिया का मस्कन वो मतफन रहा है यानी बहुत से अम्बिया वहाँ पर रहे और वहीं पर उनके दफन भी हुए तुरसीना की कसम इससे मुराद तूर पहाड़ है जहाँ हज़रत सलाम को नबोवत अता की गई पुर अमन शहर की कसम अमन शहर से मुराद मक् मकरम है उसमें कताल और लड़ाई झगड़े की इजाज़त नहीं है और फिर जो उसमें दाखिल हो जाए उसे अमन हासिल हो जाता है तो इस बिना पर इसको अमन शहर कहा जाता है बल्कि अल्लाह ताला ने तीन मकाम की कसम खाई है जिनमें जो है सो हर एक जगह में पैगंबर को भेजा अब इंसान का शर्फ अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ में सबसे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने हर मखलूक़ को इस तरह पैदा किया कि उसका मुँह नीचे को झुका हुआ है सिर्फ एक इंसान ही है इंसान को दराज़ ख़द, यानी ऊंचे ख़द का और सीधा बनाया लंबा और सीधा बनाया जो अपने हाथों से खाता पीता है फिर उसके जो भी पार्ट्स है उसको जो है सो अल्लाह ताला ने यानी इंसान के जो पार्ट्स है उसको नहायत ही तनासब के साथ बनाया यानि अल्लाह ताला ने बहुत ही एग्जैक्टली exactly परफेक्शन के साथ बनाया तो उन पार्ट्स में हिर क्या है आ, और सबसे ज़्यादा काम में आने वाले मेन जो पार्ट्स है वो, वो क्या है दो दो बनाए और उनमें जो है सो बिल्कुल परफेक्टली बराबर फासला रखा फिर उसको अख़ल भी दी फिर सोच दी फिर फहम दिया फिर हमत दी सुनने और देखने की वो क़ुवतें अता की जो किसी और मखलूक़ को नहीं दी यानी ऐसे अंदाज का जो इंसान अल्लाह ताला जिस तरह इंसान को बनाया उस अंदाज़ का किसी को नहीं बनाया यूँ इंसान ज़ाहरी शक्ल व सूरत और हसीन व जमाल के अतबार से भी पूरे दूसरे जितने भी मखलूक़ात है उनमें सबसे ज़्यादा मुमताज़ है सोच और फहम फिर के लिहाज से यानि हर लिहाज से भी अल्लाह ताला की क़ुदरत का शाहकार है इसलिए इंसान को मख़लूकात कहा गया है यानी ये इंसान का शर्फ है यानी ये इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा ऑनर दिया है फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के बाद इंसान को जो है सो फिर इंसान का इंतहाई पस्ती की तरफ लौटा दिया जाना उसका भी यहाँ पर ज़िक्र किया है अल्लाह ताला ने फरमाया है जिस तरह इंसान अपनी इब्तदा और जवानी में सारी मखलूक़त से ज़्यादा हसीन और सबसे ज़्यादा बेहतर था उसी तरह आखिर में उस पर ये हालत भी आती है कि वो कमज़ोर हो जाता है और जो है सो अखल व फहम पह, की सलाहियत उसे छीन जाती है बहुत से इंसान इस हालत से दो चार होते हैं अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे इंसान जो है सो ऐसी हालत तक पहुंचते हैं यहाँ तक कि बाज़ ही नेक लोग भी बुढ़ापे में इससे महफूज नहीं रहते फिर ऐसे नेक लोग बुढ़ापे में अख़ल व फ़हम की सलाहियतों से महरूम या फिर जिस्मानी कमजोरियों की वजह से मजबूर व माज़ूर हो जाए हो जाते हैं तब भी उनके नाम अमल में वो निकियाँ दर्ज होती रहेंगी वो जो वो कमज़ोरी के दौर से पहले करते रहे हो यानी इंसान जो है सो जब जवानी में आ, नीक अमल करता रहा फिर जब बुढ़ापे की वजह से या फिर कमज़ोरी की वजह से या बीमारी की वजह से वो आ, नीक अमल करने से मजबूर हो जाता है तो लेकिन अल्लाह उसकी नेकियां जो है सो आ, लिखते रहेंगे यहाँ जैसे वो पहले करता था वो सारी किया तब भी लिखते रहेंगे ऐसा नहीं कि अरे बुढ़ापा आ गया तो जब सोचने लगे कि अरे हम अच्छे होते तो आ, नहीं क्या कर लेते थे वैसा नहीं अगर निकियाँ जब अच्छे थे वक्त करते रहे फिर बुढ़ापे की वजह से वो नहीं कर सकते तो जब वो ये ख्याल करेगा सोचेगा तो अल्लाह ताला उसको वैसे ही नेकियां देगा जो पहले वो करते रहे हों तो इंसान को पस्ियों से भी पस्त तर लौटा दिए जाने का एक मतलब ये भी है कि जो लोग अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करने के बजाय अल्लाह ताला की नाफरमानियों का रास्ता इख्तियार करते हैं शर्क ही में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं तो उन्हें अल्लाह दुनिया में बेहतरीन शक्ल सूरत पर पैदा फरमाया और अखल वो फहम की आला सलायें से नवाज़ा लेकिन उन्होंने अपने अमल और अपने किरदार अपने एटीट्यूड से अपने आप को जहनुम के इंतहाई पस्त दर्जे का मुस्तहक ठहरा लिया फिर ये लोग आख़रत में जहनम का ईंधन बनेंगे लेकिन ईमान वाले उस बदतरीन सज़ा से महफूज़ रहेंगे अल्लाह ताला हम सब को भी बदतरीन सज़ा से महफूज रखे आमीन और हमको हमारे अहलो अयाल को इन सब बदतरीन सज़ाओं से महफूज़ रखे आमीन इसका एक तीसरा मतलब ये भी है कि इंसान अपने इस शर्फ़ और अज़मत के बावजूद अखलाक व किरदार के अतबार से इस क़दर घटिया बन जाता है कि बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गया गुज़रा हो जाता है और अपनी ही जिन्स को तबाह व बर्बाद और उन्हें कतल व गारत गिरी का निशाना बनाने पर फख्र भी महसूस करता है यानी हम अपने जैसे ही इंसानों का खतल करके फिर ख़ुद को फ़ख्र भी करता महसूस करता है अलबतः अहले ईमान का किरदार के इस घटियापन से महफूज रहते हैं जो अहले ईमान होते हैं ये सब घटिया चीज़ों से महफूज रहते हैं अहले ईमान के अजर का सिलसिला ख़त्म नहीं होता अल्लाह ताला ने अहले ईमान के अज़मत को बयान करते हुए फ़रमाया कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहें यहाँ तक कि उन पर बुढ़ापा तारी हो गया और उन्हें जो है जो है सो कमज़ोरी ने पकड़ लिया तो उनका अजर स्वब बढ़ा बुढ़ापे की उनका अजर व स्वाब बुढ़ापे की इस उम्र में भी बराबर लिखा जाता रहेगा जो सेहत और जवानी के ज़माने में उनके अमल पर लिखा जाता रहा जैसा कि नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है सही बुख़ारी की हदीस है जब बंदा बीमार या मुसाफिर हो तो उसके लिए उसकी मिसल लिखा जाता है जो वो हालत अकामत और सेहत में करता होता है गोया उसके अजर का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता चाहे किसी वजह से वो निकमल का सिलसिला जारी ना भी रख सके तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि हम क्या करना है हमको अब हम सेहतमंद है अच्छे हटे कटे है तो हम अभी आ, निकियों में सबकत ले और नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और अल्लाह के हुक्म पर अमल और हम अल्लाह ताला के और अल्लाह और रसूल के इतात में हम जिंदगी गुजारें तो इन श्ल्ल हम जब ख़ुदा खास्ता अगर हम बीमार हो जाएँ या फिर हम उस हालत में ना रहें तो अल्लाह ताला हमारे आमाल नामे जो है सो वैसे ही निकिया हमारा निकियों का सिलसिला हमारे अमाल नामों में दर्ज होता रहे जैसे हम हमारा तंदुरुस्ती में हम जवानी में हमारा या हमारे हम जब क़वत वाले थे तब हमारा जारी था वैसे ही जारी रखें झुटलाने पर कौन सी चीज़ आमदा करती है अल्लाह ने इंसानी तख्लीक़ की आज़मत व फजीलत उस पर अपने ख़ास इनाम और बुढ़ापे में मज़ीद, एजाज़ व इकराम से नवाजने का जिक्र करने के बाद इंसान को मुखातिब करके कहा इंसान इतनी निशानियाँ देखकर भी तुझे कौन सी चीज़ रोज़े जजा को झुटलाने पर आमदा करती है जब तू तो अपनी पहली मर्तबा की पैदाइश को जानता है तो फिर जजा सज़ा के दिन के आने पर और दोबारा ज़िंदा होने पर तुझे यकीन क्यों नहीं आता है क्या वजह है कि तू उसे नहीं मानता हालांकि जाहिर है कि जिसने पहली दफ़ा पैदा कर दिया उसके लिए दूसरी दफ़ा पैदा करना क्या मुश्किल है अल्लाह ताला यहाँ पर इंसान से सवाल कर रहे हैं कि कौन सी झुटलाने पर कौन सी चीज़ आमदा करती है सबसे बड़ा हाकिम अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता उसके अदल व इंसाफ ही का ये तकाजा है कि वो क़्यामत बरपा करे और उसकी दाद रसी करे जिन पर दुनिया में जुल्म हुआ क्योंकि अगर उन, उनकी दाद रसी के लिए कोई दिन ना हो तो फिर इसका मतलब ना इंसाफी और जुल्म होगा जिसे अल्लाह ताला पाक है अल्लाह ताला से बढ़कर तो कोई हाकिम और आदिल है ही नहीं फिर वो खयामत के दिन अदल व इंसाफ़ का अहतमाम क्यों नहीं करेगा ज़रूर करेगा क्योंकि उसके बगैर नीक और बद में फ़र्क ही नहीं कायम होगा क्योंकि उसके बग़ैर नीक और बद में फ़र्क ही कायम नहीं होगा जो क़्यामत क़ायम करने का असल मकसद है अगर क़्यामत नहीं होगी तो फिर फैसला कैसा होगा जो फिर दुनिया में जो ज़्यादतियाँ किए जुल्म किए और जो मज़लूम था फिर उसकी यानी उसकी सुनवाई कैसे होगी तो अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला हैदल करने वाला है आयत मुबारक की हमतें और तकाजे लेंगे अल्लाह ताला ने तज़ीम के लिए इन मक़सद तज़ीम के लिए इन मुक़दस मकामत के खसमें खाई हैं जहाँ वही नाजिल होती रही है हमें भी उन मोहतरम जगहों के मुकाम व मरतबे को मलहूज रखना चाहिए और अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया है और अखल व शुरू जैसी अजीम नमतें अदा की हैं ताकि वो अपनी पैदाइश के मकसद को समझे और अल्लाह ताला की बंदगी का फरीज़ा ठीक ठीक तरीक़े से अदा करे। बाज़ अव इंसान अखलाक व किरदार की इंतहाई पस्ती का शिकार हो जाता है और नस्ल इंसानी को तबाह व बर्बाद करने लगता है यानी वो इतना गिर जाता है कि इंसान को तबाह व बर्बाद करने लगता है जो लोग सेहत और जवानी में नकाममल करते हैं कमज़ोर और बूढ़ा होने पर भी उन्हें उनके निकमल का पूरा पूरा बदला मिलता रहेगा इन तो इंसान को अल्लाह ताला के इनामत और एहसान का शुक्र अदा करना चाहिए और नाफ़रमान बनकर रोजे जजा को झुटलाना नहीं चाहिए

وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضي عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت